गुमला पुलिस ने हुसैन नगर निवासी 50 वर्षीय मोहम्मद मुंतजीर अंसारी हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल मृतक की पुत्री शहजहां परवीन, पत्नी मेहरून निशा व मोहम्मद छोटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुधवार को गुमला थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि घर, जमीन व पैसे की चाह में पत्नी व बेटी ने मिलकर सुपारी देकर मोहम्मद मुंतजीर की हत्या कराई थी। गुमला थाना अंतर्गत हुसैन नगर में एक बोरे में लाश होने की सूचना मिली, जिसके सत्यापन में पुलिस गई और जब बोरा को खोला गया तो मोहम्मद मुंतजीर के नाम की पहचान की गई। वहाँ इस संबंध में अनुसंधान के दौरान उसकी पत्नी, उसकी बेटी और दो अन्य व्यक्ति जो मोहम्मद छोटू और मोहम्मद सारी के रूप में क्लियर हुआ कि ये लोग उनकी हत्या की थी। हत्या कारण ये था कि जो उसकी वर्तमान पत्नी है वो तीसरी पत्नी है और एक चौथी पत्नी से ये प्रेम संबंध, फिर से पत्नी से नहीं उनके प्रेम संबंध हो रहा है। इस संबंध में लगातार पारिवारिक विवाद था। तत्कालीन कारण ये था कि इधर हाल ही में उन्होंने अपना गांव में एक ज़मीन बेचा था, उसके पैसा ये लोग लेने का दबाव बना रहे थे और वह रास्ता पर नहीं आ रहे थे। इस संबंध में 1 लाख रुपये में दोनों व्यक्ति को इन्होंने सुपारी गछा, 1 लाख मिलेगा और 10,000 एडवांस दिया गया था तो, और कुल चारों व्यक्तियों ने मिलकर उसकी हत्या की और बोरा में लाश बंद करके फेंक दिया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।